एबीसीडी सुना होते पर और बोलो बोलो दोबारा बोलो वाह वेरी गुड वेरी गुड। और 1 2 3 4 सुनाओ तो एट के बाद फुस 11 12 13 14 15। अरे वाह रियांश को तो बहुत कुछ। वेरी गुड। तुम इंग्लैंड में पैदा लिया है। दोस्तों दोपहर के 2 बज चुके हैं। मेरा काम यहाँ पर गोइंग ऑन है, चल रहा है, काम प्रगति पे है, कृपया सावधानी बरतें। और दोस्तों मैं सोचा कि थोड़ा सा अपडेट दे दूं आप लोगों को। अपडेट देना मेरा मतलब प्रायोरिटी समझिए, फर्ज है। तो दोपहर के बज चुके हैं 2:05 फर्स्ट टाइम हमारी रूम की घड़ी, अगर आप लोग हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो चलिए देखते हैं कि गुल्लू रानी कर क्या रही है। फाइनली यहां से सेब गायब हो चुका है, जो सेब कोई खाने वाला नहीं था, सड़ चुका था। केला आधा खत्म हो चुका है। पापा के रूम में कोई नहीं है इसलिए क्योंकि पापा गए हैं काम पर अपने स्कूल। और ये रहा गुल्लू रानी पूरा अस्त व्यस्त किचन को की हुई है। क्या है आज खाने में गुल्लू? व्यूअर्स को तो यहाँ और मुझको भी यहाँ कदीमे कटे हुए दिख रहे हैं, तो खाने में क्या है कृपया बताएं। दाल पालक बन के रेडी है, उसमें आलू कचुका के लिए आलू है वो भी बॉयल हो चुका है, और यहाँ पर चावल भी है 5-6 मिनट में हो जाएगी। और ये कदीमा का जो रेसिपी है वो मेरी सासू मॉम यानी हस्बैंड जी की मम्मी के स्टाइल में हस्बैंड जी कुछ बनाने वाले हैं, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत बार खिलाए भी। तो मैं बता ही देता हूँ कदीमा का तरुआ, उसी के लिए मैं ये लहसुन छिल रही हूँ उसका पेस्ट बनाऊंगी, रेड चिली एंड लहसुन का पेस्ट बनाऊंगी और बहुत ही यम्मी लगता है, हस्बैंड जी ये 2-3 बार खिलाए हैं तो ये वाली डिश वही बनाते हैं। वैसे मैं बता दूं ये ग्रीन कुर्ती में यू आर लुकिंग एक्सट्रीमली गॉर्जियस। पठानी कुर्ती है पठानी। तो ये क्या है तेरा, खोल के दिखाना। दिखाओ दिखाओ तो गिर जाएगा ढक्कन, ढक्कन गिर जाएगा। छुरो छुरो छुरो। ये है पूरा धुआं है, दिख नहीं रहा है। ये है दाल पालक और आलू उबले हुए हैं, वहां चावल चढ़ा हुआ है, कदीमा का तरुआ, आलू का चोखा, दाल पालक फ्राई है ना गुल्लू। और हम लोग आपको रोज इनका अपडेट देते रहते हैं कि हम लोग क्या खा रहे हैं, क्या आजकल लुक उठा रहे हैं। डेली लाइफ ब्लॉग में आप लोग को डेली रूटीन ही देखने को मिलेगा, चूंकि यही रूटीन है, मतलब जो कॉमन आदमी होते हैं उनका यही रूटीन होता है, सुबह उठना, ब्रेकफास्ट, लंच। तो हम लोग की लाइफ में हम लोग जो कर रहे हैं वही आप लोग को दिखाते हैं। देखिए डेली ब्लॉग्स का मतलब ही होता है कि डेली लाइफ एक बिहार के फैमिली यानी कि जो बिहार से बिलोंग करते हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली अपने जीवन को किस तरह से यापन करते हैं यानी कि डेली लाइफ को जीते हैं, वही हम लोग अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को पहुंचाते रहते हैं। और अच्छी लगती है, खुशी भी लगती है, और खुशी आती भी है आप लोग के कमेंट पढ़ के कि आप लोग पसंद करते हैं, खास करके जो हमारे 4-5 ऐसे कमेंटर हैं, कमेंटर बोलते हैं ना गुल्लू उसको, जो कमेंट करते हैं डेली, तो मतलब समझिए वो उनको मतलब हम लोग ऐसा नहीं है कि 100, 200, 500, 1000 लोगों के लिए, मतलब जो पसंद करते हैं उनके लिए हमारी प्रायोरिटी रहती है कि डेली उनको ब्लॉग पहुंचाए। तो दोस्तों चलिए अब मतलब खाना लगभग बन ही चुका है, घर में अंधेरा है, लाइट नहीं जलाई है गुल्लू रानी, तो बाद का अपडेट आप लोग को मैं समय समय पर पहुँचाता रहूँगा, वैसे मेरा काम का समय हो चुका है। गुड आफ्टरनून फैमिली। तो आज है दिन, आज कौन सा दिन है मैं भूल जाती हूँ, आज कौन सा दिन है, आज है ट्यूसडे एंड अभी हो रहे हैं 1:30 और हस्बैंड जी नहाने गए हैं क्योंकि वो अभी वो फ्री हुए। एंड मैं जो हूँ आज वो बनाने वाले हैं पोए डाटा जो होता है उसकी सब्जी, मछली मसाला डाल के बनता है वो,
ये बेड ऐसा ही रहता है क्योंकि दिन में इतना मच्छर काटता है ना, मतलब घर में मच्छर इतना ज्यादा हो गया है, क्योंकि ठंड तो बिल्कुल भी नहीं है, ठंड बिल्कुल भी नहीं है, और ठंड नहीं है जिसकी वजह से जो मच्छर जो है वो कुछ ज्यादा ही हो गए घर में, मतलब कि एक्सेस मच्छर हो गए, तो दिन में भी बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, एक्सेस परेशान करते हैं, अंधेरा हो गया, तो दिन में भी वो एक्सेस परेशान करते हैं, डेट्स वाई यहाँ ठीक से लाइटिंग नहीं आ रही है। हाँ, तो इसलिए मच्छरदानी जो है वो लगाना पड़ता है। और ये जो मैंने अभी जो कुर्ती पहनी हुई हूँ, ये भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज किया था आज से लगभग 2 साल पहले, लिबास का है ये। तो ये क्या था ना, इसका लेंथ जो है, मैं दिखाती हूँ, वेट, ये लेंथ जो है ना ये काफी ज्यादा लॉन्ग था, तो इसे मैंने कटवाया है, इसीलिए मैं इसे आराम से पहन पाती हूँ, एकदम बिल्कुल नया है, ये रेयॉन कपड़े का है, मैं रेयॉन ज्यादा पसंद करती हूँ फैब्रिक, कॉटन से भी ज्यादा पसंद करती हूँ, तो ये जो है एकदम लॉन्ग था ये, तो मैं इसे पहन नहीं पाती थी क्योंकि हमेशा नीचे सटते रहता था जमीन पर, फ्लोर पे, तो इसे मैंने कट करा दिया, अब मैं इसे आराम से पहन सकती हूँ। ये देख सकते हैं, मुझे इसका पैटर्न काफी ज्यादा पसंद आया था, इसीलिए ये मैंने कब खरीदा था, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन जो सेल होता है, मैंने ये उसमें परचेज किया था। और मैं बताई थी ना आपको कि मेरा ऑनलाइन एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा रहता है, हस्बैंड जी मेरे अगेंस्ट जा करके अपने लिए स्वेटर मंगाया, तो वो 2 बार उनको रिटर्न करना पड़ा, अभी 3rd टाइम मैंने अपने पसंद से उनके लिए ऑर्डर किया है, तो मैं आपको बताऊंगी कि फाइनल हो जाएगा कि किसकी पसंद ऑनलाइन के मामले में ज्यादा अच्छी है। हाँ, तो मैं बताई थी पोए डाटा की सब्जी बनाने वाले हैं हस्बैंड जी, जिसकी रेसिपी आज आपको मिलने वाली है, तो चैनल पे जरूर बने रहिएगा, वीडियो देख रहे हैं पसंद आ रहा है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल डेट इज सुनेहास ब्लॉग। और आज इनविटेशन है शादी का, तो देखते हैं उसमें जाते हैं कि नहीं, इस बार तो कुछ ज्यादा ही इन्विटेशन मिल रहा है शादी का, देखते हैं जाते हैं कि नहीं। और मम्मी नाना नानी मेरा भाई एंड आभा, मेरा भाई तो वहीं रहता है आसाम में आभा के साथ, तो मम्मी वहां गई पहले, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद नाना नानी भी गए वहां आसाम गए, तो वो सब जो है वो कल गए थे गुवाहाटी, मतलब कि गुवाहाटी बोलती हूँ, कामाख्या मंदिर गए थे, तो कामाख्या मंदिर गए, वहां पे उन्होंने दर्शन किया, काफी अच्छे से दर्शन हो गया। अगर आपको VIP कोटा में जाकर के दर्शन करना है तो आपको 500 पर हेड लगता है, तो आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी VIP कोटे में भी जो है वो बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, तो उन्होंने दर्शन किया। VIP कोटे में सिर्फ मम्मी नाना नानी गए थे क्योंकि भाई और आभा पहले ही दर्शन कर चुके हैं, तो इसीलिए तो उन्होंने काफी अच्छे से फोटोज क्लिक करवाए हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कहीं पे भी, तो देख सकते हैं, मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला था, तो अगर मुझे आप लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज मुझे वहां फॉलो कर लीजिएगा। एंड जो लोग कामाख्या मंदिर नहीं गए हैं वो सब प्लीज जाया, एक बार तो कम से कम जाइए ही, बहुत अच्छा लगता है ऐसा उन लोगों ने बताया। मैं भी कामाख्या मंदिर शायद गई हूँ, क्योंकि आई रियली डोंट नो, उतना अंदर तक तो नहीं गई हूँ, लेकिन मुझे इतना बताया बच्चों ने, मैं खो गई थी कामाख्या मंदिर में, फिर जाके मैं मिल गई। तो बस यही था, फोटोज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, काफी इंजॉय किया है उन लोग। तो चलिए ठीक है, अभी मैं लहसुन मैंने काट दिया है, आलू मैंने काट दिया है, पोई डाटा होता है वो मैंने कट कर दिया, हस्बैंड जी बस आएंगे बनाएंगे, और मैं जब तक के लिए चावल चढ़ा देती हूँ। हाँ, आप देख सकते हैं चावल जो है वो मैंने चढ़ा दिया है, ऑलमोस्ट बन चुकी है, ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट, उसके बाद मैं इसका मार जो है वो पसा दूंगी। एंड यहाँ पर जो मैंने बोला पोए डाटा, ये यहाँ पे मैंने कट करके रख दिया है, एंड यहाँ पे मैंने आलू भी जो है वो कट करके रख दिए हैं। बस मिस्टर जी जो है यहाँ पे मसाला रेडी कर रहे हैं, पीली सरसों, मैंने आप लोगों से पूछा था पीली की ब्लैक सरसों पसंद है, अधिकतर आदमी ने ब्लैक बोला लेकिन कुछ लोगों ने येलो भी बोला। और ये लहसुन की कलियाँ भी मैंने यहाँ पे छील के रख दी है, और यहाँ पे ये वाले फ्लेम पे कढ़ाई इन्होंने चढ़ा दिया है, इस पर सब्जी बनेगी क्योंकि पापा के भी आने का स्कूल से टाइम हो चुकी है। ये सरसों तेल जो है वो गया कढ़ाई में, हम लोग सरसों तेल में ही सब्जी वगैरह बनाना पसंद करते हैं क्योंकि इससे फ्लेवर अच्छा आता है। सबसे पहले क्या भूजेंगे हम लोग? पोटैटोज, पोटैटो को शैलो फ्राई कर लेना है। और इधर चावल भी हो गई है, मैं चावल का मार जो है उसे पसा देती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। मसाला है इसमें, इसमें एक पॉट लहसुन है और 1 चम्मच जीरा है और पीली वाली सरसों है और लाल मिर्च मैं देने वाला हूँ थोड़ी देर में। और ये जो आलू फ्राई हो रहा है इसमें हस्बैंड जी ने हल्का सा नमक भी दिया है और इसको ढक दिया है, और बीच बीच में इसको बस चेक करना है कि ये
हल्का सा ये पक जाए। यहाँ पे हस्बैंड जी चेक कर रहे हैं कि आलू जो है वो फ्राई हुई है कि नहीं। हो गई है फ्राई? हाँ नहीं 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 अभी थोड़ा और होगा, शैलो फ्राई होगा, शैलो फ्राई। और छत से हस्बैंड जी वो रेड चिल्ली भी लेके आ गए, कितनी लेके आ गए? ये पापा ने लगाया हुआ था छत में टाइम पास के लिए, तो देख सकते हैं लाल मिर्च। टाइम पास नहीं, काम आ गया हम लोग। अच्छा काम आ गया, जुगाड़ है ये सब लाल मिर्च। तो ये गया एक मिर्च, तीखा स्वाद अनुसार आप लोग को जैसा खाते हैं, दो, ये तीन, बाबू ज्यादा तीखा मत देना यार, और एक चार। अब इसको रखना है, अब इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। एक अनियन भी जाएगा, एक नहीं आधा देंगे, आधा अनियन भी जाएगा ताकि ग्रेवी जो है वो हमारी थोड़ी थिक बने, कंसिस्टेंसी उसकी थोड़ी गाढ़ी हो ना। ये ट्रिक एंड ट्रिक्स है, टिप्स एंड ट्रिक है। अच्छा टिप्स एंड ट्रिक, हाँ हैक्स कह सकते हैं छोटे मोटे, तो वीडियो फुल देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। एंड ये टेस्टी जो लोग मछली नहीं खाते हैं, उतना पसंद नहीं करते हैं मेरे जैसा, वो ये ट्राई कीजिएगा, मछली वाला मसाला से बनता है ये, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। ये जो है पेस्ट बन के रेडी है, हस्बैंड जी जो है वो मसाला पेस्ट बड़ा अच्छा से पीसते हैं मिक्सी में, एकदम फाइन पेस्ट। और पेस्ट अगर सही रहेगा ना तो आपका खाना जो है काफी डिलीशियस बनने वाला है। तो ये हमने आलू जो है यहाँ फ्राई करके निकाल लिया है, देन उसी कढ़ाई में जो तेल बची थी उसमें हल्का सा तेल हमने और ऐड किया है, मस्टर्ड ऑयल। अब हम इसको छोकेंगे ना हस्बैंड जी, इसको थोड़ा सा एक मिर्च, तेल गरम नहीं है तब जीरा देंगे, तेल अभी गरम नहीं है हल्का सा गरम होने देते हैं तब जीरा देंगे। एक चुटकी जीरा, एक चुटकी जीरा की कीमत तुम क्या जानो हस्बैंड बाबू? नहीं एक चुटकी जीरा की कीमत भी नहीं होती है। अब इसमें पेस्ट डाल देना है ना, डाल दीजिए। तो यहाँ पर मसाला हस्बैंड जी ने डाल दिया है, यहाँ पे मैं भी उनकी हेल्प करती हूँ, ऐसा नहीं है कि वो कोई डिश बनाते हैं तो मैं आराम से रूम में बैठ करके मोबाइल या टीवी देखती हूँ, नहीं मैं असिस्टेंट के तौर पे उनकी हेल्प करती हूँ, हेल्पर उनकी बनती हूँ। और सब्जी वगैरह तो मैं ही कट कर देती हूँ, हस्बैंड जी बस बना देते हैं। कुछ कुछ डिशेज ऐसे होते हैं ना जो कि हस्बैंड जी बहुत अच्छा बनाते हैं, इसीलिए मैं मुझे उनके हाथ का बहुत पसंद है। क्या क्या दिया अभी? नमक एक चम्मच और हल्दी, नमक हल्दी स्वाद अनुसार। अब मैं जा रही हूँ टोमेटो जो है उसे कट कर लेती हूँ, फिर टोमेटो इसमें ढक के। और यहाँ मेरा परी बेटा जो है गुल्लू रानी जो एंजल लग रही है एकदम सुंदर, मेरा बच्चा, मेरा प्राण, मेरा आत्मा, मेरा जान, मेरा शान, सुंदरता तो देखने वाले की आंखों में होती है। और ये है पोए जो आज मैं बना रहा हूँ गुल्लू रानी के साथ मिलकर, और उधर काम भी देखना पड़ता है, इधर कैमरा भी संभालना पड़ता है और थोड़ा बहुत हेल्प भी कर देना पड़ता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये आलू फ्राई मैंने ही किया है, पोटैटो गुल्लू रानी ने मतलब काट रही है, काट ली है और मैंने फ्राई भी कर दिया है। यहाँ से टम्मू काट रही है जिसको टोमेटो बोलते हैं, टमाटर, एक टमाटर मीडियम साइज के इसमें अब पड़ेंगे, बारीक काटना गुल्लू, छोटा छोटा, ठीक है। ये मसाला हमारा फ्राई हो चुका है? नहीं हो चुका है, अभी समय है, अभी अच्छा से फ्राई होगा, लेकिन इसी बीच में हम लोगों ने थोड़ा टेमू टमाटर टोमेटो जो है ऐड कर दिया जिसको हम लोग प्यार से टम्मू बोलते हैं। हाँ तेल में से छोड़ दिया, आई थिंक हो गया है मसाला, अच्छा से डीप फ्राई होता है, मैं कोई भी चीज थोड़ा डीप करता हूँ, डीप ये जो है ना फ्राई थोड़ा ज्यादा करते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि मसाला ऑलमोस्ट हो चुका है, फ्राई ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, वेट करेंगे इसको थोड़ा टमाटर गलने तक और फ्राई करेंगे। टमाटर देख सकते हैं आप थोड़ा ब्राउन कलर में आ गया येलो कलर से, यानी कि 90% हमारा मसाला जो है फ्राई हो चुका है, तेल भी छोड़ दिया है, तेल भी छोड़ दिया है। अब इसमें जाएगा पोए, साथ में ही जाएगा पोटैटो फ्राई। नाना नानी पहली बार आभा और बाबू से मिलने, मतलब मेरे भाई से मिलने गुवाहाटी गए थे, तो उन्होंने मुझे पहले ही बोला था कि ड्रेस ऑर्डर कर देना आभा के लिए, तो मैंने ऑर्डर कर दिया था, लेकिन वो ड्रेस जो है मैंने स्मॉल मंगाया था पर उन्होंने एक्स्ट्रा स्मॉल भेज दिया। अच्छा दिखाओ सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा है। अच्छा का मतलब कि बाजू बाजू भी टाइट है? नहीं बाजू ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्मॉल ना, इधर उधर कसा हुआ ये वाला। अच्छा और ऐसे कपड़ा कैसा है? कपड़ा अच्छा है, सब कुछ ठीक है, ये
अच्छा ठीक। तो आप लोगों ने जैसा देखा कि पोहे का डांटा और पोहे का पत्ता आलू साथ में मैंने मिक्स किया, उसको भी अच्छे तरीके से भूजा लगभग 10 मिनट, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के दो बार मैंने फ्राई किया अच्छे से। उसके बाद जब ये थोड़ा डीप गाढ़ा हो गया तो उसे मैं ढक कर 10 मिनट रख दिया। अब इसे सर्व कर सकते हैं आप। तो मैं इसे थोड़ा चला कर आप लोग को दिखा भी देता हूँ कि कैसा लुक आता है ये टेस्टी सब्जी का। मतलब जो मछली के दीवाने हैं आप देख सकते हैं, ग्रेवी भी है अच्छा खासा। चलिए, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है सब्जी को देख करके, चाहते हैं हम लोग लंच करने। दोस्तों शाम के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं पता नहीं, 8:30 बज रहे हैं, और मैं और गुल्लू रानी और पापा का आज भोज है। आप देख सकते हैं मेरी ब्यूटीफुल वाइफ, माय गॉर्जियस वाइफ, आप देख सकते हैं बहुत ही बिजी है। मतलब उसको धरफरी हो गया हर भरी के साथ कि अब उसे तैयार होना है। आप देख सकते हैं आते के साथ आईना में मतलब बिजी हो गई। कहाँ जा रहे हैं बेटे हम लोग? तुम यही हो, शर्ट चढ़ाना, सबसे ज्यादा लेट तुम ही करते हो। बाय दी वे ओ माई गॉड, मैं लेट नहीं करता हूँ। गुल्लू ये तो बदनाम कर रही है तुम मुझको। चलो जल्दी रेडी हो जाते हैं। जल्दी गुल्लू रानी एकदम धरफड़ में, हाइटी खत्म होना आज। गुल्लू रानी एकदम फास्ट फूड दबा के खाने वाली है। दोस्तों मैं फाइनली रेडी हो गया हूँ, आपको आईना में भी मिरर में भी दिख रहा होगा। नीचे जीन्स है और ऊपर स्वेटर, ठंड तो नहीं है लेकिन फिर भी ठंड से बचना है। और गुल्लू रानी का देखते हैं कि गुल्लू रानी का रेडी होना कहाँ तक पहुँचा है। गुल्लू रानी जो रेडी हो रही है, देख सकते हैं पूरा सामान अस्त व्यस्त है, और ये गुल्लू रानी पूरा सजने में बिजी है। तो सजती है तब उसके बाद फाइनल लुक आपको दिखाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी जाने जिगर का लुक, माय एक्सट्रीमली गॉर्जियस वाइफ। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ, ये ड्रेस जो है इसका हॉल भी मैंने शेयर किया था। तो उस समय क्या था, दुर्गा पूजा में मैंने खरीदा था, तो ये उस समय स्मॉल साइज, ये मीडियम साइज का था। तो मैं क्या की उसके बाद ये एक्सचेंज कर दी, तो ये मुझे रिसीव हुआ एंड ये मैंने स्मॉल मंगाया था। स्मॉल आप देख सकते हैं, ये भी थोड़ा लूज है लेकिन हाँ इतना ठीक है, ज्यादा टाइट ठीक नहीं लगता है, इतना ठीक है। तो इसीलिए नया है ये, तो आज मैंने निकाल लिया है। तो चलिए आप लेके चलते हैं मैरिज हॉल। चलिए ठीक है ना गुल्लू? हाँ। तो चलते हैं, इसका तो ना कोई जोर है और ना ही कोई तोर। तो चलिए चलते हैं रिसेप्शन में। रिसेप्शन में जाने से पहले मैं गुल्लू रानी से एक चीज पूछना चाहता हूँ। बाल खराब हो रहा है। ओ माय गॉड, देख रहे हैं मतलब पति भी हाथ ना लगाए। तो रिसेप्शन में जाने से पहले मैं गुल्लू रानी से पूछना चाहता हूँ, ये खाती नहीं है, बस सज कर वहाँ जाती है और एक्साइटमेंट रहता है, पोज देती है, और मैं तो भाई साहब खाने के लिए जाता हूँ, सिर्फ जहाँ खाना वहाँ सन्नी कुमार। तो मतलब क्या बोले, और हाँ, ये वाली इयररिंग वही है जो हमने खरीदी थी होलसेल से, जो मैंने गुल्लू रानी को दिया था शादी की शॉपिंग का, जो ब्लॉग आया हुआ था उसमें आपको उसकी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो ममेरा ममेरा भाई का शादी था तो उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं, पापा नीचे कार निकाल कर रेडी है, तो तीनों आदमी चलिए आपको नजारा भी दिखाएंगे जो रेडी है। तो चलिए अब चलते हैं बिना देरी किए हुए। और मैं, हस्बैंड जी एंड पापा आ चुके हैं मैरिज हॉल में, जो कि घर से थोड़े ही दूरी पे था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, और हस्बैंड जी पता नहीं क्यों स्वेटर क्यों पहन लिया उन्होंने, क्योंकि शर्ट आयरन किया हुआ नहीं था, मेन रीज़न ये है, और ठंड तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। तो मैं जा रही हूँ अब गिफ्ट देने के लिए। तो गिफ्ट जो रिसीव कर रहे थे वो भी काफ़ी बिजी थे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग गिफ्ट देने के लिए खड़े थे। तो यहाँ पे मैं भी अपना नंबर लगा दी, गिफ्ट दे दी और नाम भी लिखवा दी। नाम तो वैसे पापा का ही लिखाया। और ये जो हॉल है, यहाँ पे जब हमारी शादी होने वाली थी तो ये हॉल में भी पापा पता करने आए थे हमारी शादी के लिए, लेकिन फिर हम लोगों ने ये हॉल को रिजेक्ट कर दिया था कुछ रीज़न से।
तो सबसे पहले हम दोनों आ गए हाई टी का मजा लेने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं हम डोसा। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्साइटिंग व्लॉग में। काफ़ी कुछ स्पेशल देखने को मिलेगा, तब तक के लिए गेस कीजिए। एंड अगर हमारे चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल डेट इज़ सुनेहास ब्लॉग।